गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं इंटीजर्स के बारे में और आगे बताने जा रहा हूँ। इंटीजर्स के सम के बारे में आप लोग को बताए थे कि किस तरह से इंटीजर को ऐड किया जाता है। अब जो है प्रॉपर्टीज है एडिशन के, इंटीजर्स के एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर को ऐड करने का क्या प्रॉपर्टी है, किस कौन कौन से प्रॉपर्टी के अनुसार जो है इंटीजर को ऐड किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है क्या कि किसी भी दो इंटीजर को जब जोड़ा जाए तो हमेशा इंटीजर ही आता है, यानी द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। इस एग्जाम्पल में डेट इज इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू एन इंटीजर। यानी ए एक इंटीजर है, बी दूसरा इंटीजर है, और जब ये दोनों इंटीजर को जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू, अभी माइनस टू है निगेटिव अभी पॉजिटिव बताए थे आप लोगों को पहले, तो फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है फाइव और टू कम है, तो फाइव में से टू घटेगा थ्री आएगा, फाइव का साइन प्लस है इसलिए प्लस मिला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस टू एक इंटीजर है, फाइव भी इंटीजर है, इन दोनों का जो सम आया थ्री वो भी एक इंटीजर, इसी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर है कॉमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें होता है टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल डेट इज अर्थात If A and B are two integers, Om Bhuvasvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devi। If a and b are two integers, then a plus b is equal to b plus a। ये आपका है
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, यानी ए में बी जोड़ा जाए चाहे बी में ए जोड़ा जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में माइनस टू प्लस फाइव या फाइव प्लस माइनस टू, यह है आपका एसोसिएटिव लॉ। तीसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें होता है थ्री इंटीजर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर टू ऐड। तीन इंटीजर को जोड़ने के लिए उनको किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग किया जा सकता है, अर्थात इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स देन ए प्लस बी, पहले ए दोनों को जो ए बी को जोड़ेंगे तब सी को जोड़ेंगे, या सबसे पहले बी सी को जोड़ेंगे तब ए को जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा माइनस टू प्लस फाइव, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे प्लस सेवन, या माइनस टू फाइव प्लस सेवन, ये दोनों को जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इस नियम को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, चौथा नंबर एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है कि किसी भी इंटीजर में हम क्या जोड़ें कि वही के वही रह जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो इफ ए इज एन इंटीजर, अगर ए कोई इंटीजर है तब देन ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए ही आए, यानी कि अगर किसी भी इंटीजर में जीरो जोड़ा जाएगा तो वही के वही रहेगा। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज जीरो, ए का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, यानी कि किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता। नोट में याद कर लेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर इज जीरो। उसके बाद पांचवा नंबर है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि उल्टा, साइन में उल्टा ही होता है। इफ A is an integer, then
ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आएगा, अर्थात एडिटिव, इसलिए लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि केवल साइन चेंज हो जाता है, एडिटिव इनवर्स लिखते समय साइन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल एक दे देते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू, अगर एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो जो इंटीजर दिया हुआ है उसमें माइनस वन से गुना कर दीजिए, ये गुना करके आएगा वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन का प्रॉपर्टी हो गया। सब्ट्रैक्शन में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में हम लोग को एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को बता रहा हूं, नंबर वन फाइव फ्रॉम सब्ट्रैक्ट पहला नंबर, फाइव फ्रॉम सिक्स दूसरा नंबर, माइनस फाइव फ्रॉम सिक्स तीसरा नंबर, माइनस फाइव फ्रॉम माइनस सिक्स और चौथा नंबर, फाइव फ्रॉम माइनस सिक्स। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं, यानी कि सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, सिक्स में से फाइव जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा सिक्स माइनस अब ब्रैकेट में माइनस फाइव, यानी कि सिक्स माइनस माइनस प्लस फाइव इलेवन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस माइनस फाइव, माइनस सिक्स प्लस फाइव बराबर माइनस वन, और इसमें माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव, अब दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा इलेवन, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। बस आज के लिए इतना ही कहा है, आप लोग एच डब्ल्यू में थ्री से टेन तक कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज वन ए थ्री टू टेन, प्लस में जो भी बताया गया है उसको नोट्स करके याद करेंगे। थैंक यू।